प्यारे ब्रह्मांडवासियों आज महाशिवा रात है तो मौका है कुछ बातों को अलग तरीके से समझने का आज का संदेश ओपन सीक्रेट है ओपन सीक्रेट ऑफ शिवा और ओपन सीक्रेट समझने के लिए इसको ओपन भी कहा और सीक्रेट भी कहा ऐसा क्यों कहा ये समझ लें उसको एक उदाहरण से समझो तो बात पकड़ में आएगी तो जैसे किसी को कहा गया है कि ये फलां बंगले में आपको जाना है वहाँ पर एक एंशंट कबड़ है पुराने ज़माने की जैसे ना कब्बड्स होते हैं तो उस कब्ब से आपको एक चॉकलेट निकाल कर लाना है वो आपको ढूंढना है उधर एक चॉकलेट है और आप उधर गए हैं उस हवेली में कहो उस बंगले में कहो वहाँ गए हैं और देख रहे हैं किधर है वो कबड़ और आपको मिल जाता है कि एंशंट कबड़ पड़ा है आप खोलते हैं ढूंढते हैं बहुत बड़ा कब्बड है हर ड्रॉर हर खाना देखते हैं और आपको चॉकलेट नहीं मिलता फिर आप सोचते शायद ये कबड्ड नहीं रहेगा कोई और कब्बड फिर और जगहों पर देखते एक आधा और एक कब्ड दिखता है उसमें भी देख डालते हैं और आप आकर क्या डिक्लेयर करते वहाँ कोई चॉकलेट नहीं था मैंने इतनी बारीकी से देखा चॉकलेट है ही नहीं और जब ओपन सीक्रेट मालूम पड़ेगा तो क्या पता चलेगा कि वो जो कबड्ड है ना वो चॉकलेट से बना हुआ है कारीगरी देखो उसी मटेरियल से बना हुआ है पूरा कबड्ड तो क्या हुआ ये यानी उसी में ही ढूंढ रहे हैं आपको वही जानना था रहस्य तो प्रश्न को कहा जाए आप वापस जाकर देखो अब ये ओपन सीक्रेट वापस जाकर देखो अब वो जाएगा कैसे देखेगा आप प्रवचन सुनकर मंदिर जाओगे तो कैसे जाओगे फर्क आ जाएगा आप कहेंगे कि हम ऐसा देखते ही नहीं थे अगर हमें ये ओपन सीक्रेट नहीं बताया जाता तो हम ऐसा देखते ही नहीं थे और आपको वापस भेज दिया उस बंगले में फिर आकर आप क्या बताएंगे कब्ब क्या पूरा बंगला चॉकलेट का है <laughs> <laughs> पहले जाकर देखा कब्बड अरे हाँ आके ये चॉकलेट है तो ये ओपन सीक्रेट तो ये एनालॉजी से आपको क्या समझा कि क्या है ऐसा जो खुला पड़ा है संसार में ओपन है फिर भी नहीं दिख रहा है <laughs> किसी ने इशारा ही नहीं किया ये ऐसे देखना होता है आकाश में लोग देखते हैं इतना विस्तार है तो वो दिखता ही नहीं है उसमें बादल है पक्षी है वो सब देखते चॉकलेट पकड़ लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और उसी में खुश होकर जाते संसार से तो वह थोड़े में खुश हो गए तो लोग शिवा के सीक्रेट्स जानने के लिए खोज करते हैं और कुछ बातें पकड़ते हैं और उसी में खुश होकर जाते हैं जो उस ओपन सीक्रेट को पूरा समझना चाहते हैं वो चाहेंगे कि हम उसको रियल अर्थ में लें और बिना शब्दों में अटके इसको अपने जीवन में उतारें बिना शब्दों में अटके क्योंकि यहाँ पर लोग आए हैं जो हिंदू परिवार में जन्मे हैं और ऐसे भी जो मुस्लिम परिवार में क्रिश्चियन परिवार में अलग अलग परिवारों में तो जब आप ये संदेश सुन रहे हैं तब ये समझ होना जरूरी है ये संदेश आप टीवी पर सुन रहे हो एलसीडी पर सुन रहे हो यूट्यूब पर सुन रहे हो जहाँ पर भी सुन रहे हो तो डिस्क्लेमर ध्यान में रखना कि शब्द है आप तक असली चीज पहुंचाने के लिए और उसमें शब्द वे ही लिए जाएंगे आज जो महाशिवरात्रि के दिन लोगों के जहन में ऊपर आए हैं तो इससे कोई भी तेज ज्ञान का अनुमान न लगाए शशि की टीचिंग ऐसी है यही बताते हैं सिर्फ तो ये मत समझ लेना क्योंकि कई बार लोग एक प्रवचन से अच्छा इनका लाइन ऑफ एक्शन ये है ये हिंदुइज्म को मानते हैं तो पहले ही बता देना आवश्यक है कि इस पर नहीं है तेज ज्ञान तेज ज्ञान जो है शब्दों के पार का ज्ञान है शब्द रखे जाएंगे मगर उसका पर्पज है ओपन सीक्रेट आपको पता चले फिर जो भी शब्दों से ओपन सीक्रेट पता चले वो काम के हैं और बबूत का अर्थ जाने बबूत लगाकर बैठना है बबूत का अर्थ क्या है भ भविष्य के लिए है भूत पास्ट के लिए है भविष्य भूत भस्म <laughs> भूत भस्म लगा कर बैठो शिव जी कैसे लगाते शरीर पर भस्म लगा कर बैठे को तो मालूम नहीं भस्म क्यों लगाना है कैसे इशारे हैं समझने वाले खुश करेंगे कि ये क्यों करना लॉर्ड शिवा की सबसे मूल अवस्था पहली अवस्था में जाएंगे वहां आपको इसका और रहस्य क्लियर होगा ओपन सीक्रेट ऑफ शिवा तो क्या हुआ संसार नहीं था जब उस अवस्था में पहले पहले आंख जिसने खोली वो था ब्रह्मा ब्रह्मांडवासी ध्यान से सुने ब्रह्मा ने आँख खोली और आँख खोलकर देखा कि कुछ है ही नहीं चारों तरफ और नजर पड़ी तो कमल पर बैठा है कमल था कमल के ऊपर बैठा हुआ तो उसके अंदर पहला सवाल आया अगर आप कहेंगे पहला खोजी कौन विश्व का पहला खोजी कौन उसका नाम क्या है तो उसका नाम क्या है ब्रह्मा पहला खोजी तो उसके अंदर सवाल आया मैं कौन हूं एम आई <laughs> जब ये सवाल आता है ना तब तो खोज स्टार्ट होती है खोजी बनता है मैं कौन हूँ पहला सवाल अब वो ढूंढ रहा है चारों तरफ और ये कमल कहाँ से आ रहा है उसकी जो डंडी है किधर जा रही है वो उसका दूसरा छोर ढूंढने निकला है जा ही रहा है जा ही रहा है सालों साल क्या है ये रह से मालूम ही नहीं पड़ रहा है खोजी की जैसे यात्रा होती है ना कर रहा है कर रहा है सुन रहा है खोज कर रहा है पुस्तकें पढ़ रहा है लोगों से मिल रहा है ध्यान साधनाएं कर रहा है मगर कुछ हो नहीं रहा है मन वैसा ही है उस वक्त तो बहुत अच्छा शांत दिखता है मगर वापस जब संसार में आता है तो वापस लोगों के वही चेहरे देख कर वही लोगों की अड़चने देख कर और वही पैसे की समस्या या स्वास्थ्य की समस्या रिश्तों की समस्या तो वापस मन विचलित हो जाता है तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं इतनी खोज की हमने कुछ हुआ ही नहीं तो वो कर रहा है खोज सालों साल तभी आप जानते हैं कि उसको सबसे पहले कौन मिला होगा जो पहला दर्शन हुआ वो किसका यानी पहले जीवित सांस लेने वाले प्राणी का जो दर्शन हुआ वो किसका हुआ होगा लॉर्ड विष्णु विष्णु का दर्शन ये करते करते अचानक विष्णु सामने आ गए नारायण अब उनके अंदर दूसरा सवाल देखो खोजी के अंदर एक सवाल आता है ना तो पहला सवाल हु एम आए दूसरा सवाल क्या है हु आर यू आप कौन हो रिश्ते से शुरू होते मैं कौन हूं तुम कौन हो तो विष्णु से सवाल पूछा तुम कौन हो विष्णु ने पूछा तुम कौन हो तो ब्रह्मा ने कहा मैंने संसार बनाया मैंने तुम्हें भी बनाया होगा तो विष्णु ने कहा तुमने मुझे बनाया पर देखो तो तुम निकले कहाँ से हो क्योंकि आप जानते नाभि से कमल निकला भगवान विष्णु के नाभि से कमल निकला उस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे देखो ये कितनी गहरी बातें हैं बताई नहीं जा सकती जो ये पहले पैदा हुआ कि ये पहले पैदा हुआ पहले मुर्गी की पहले अंडा <laughs> पहले मुर्गी या पहले अंडा कौन पैदा हो गया तो इनके जब जवाब रखे जाते हैं ये तो एक दृश्य रूप में रखा गया जवाब है ये विष्णु की ही नाभि से निकला है ब्रह्मा और ब्रह्मा ने बनाया है विष्णु को कैसी पहली है लोग अंडा मुर्गी की सुलझाते रहते कभी सुलझा नहीं पाते मगर ब्रह्मा विष्णु की एनालॉजी जो है ये जो पहली है इसको समझना होगा क्योंकि ये आपके अस्तित्व से जुड़ी हुई है अंडा मुर्गी नहीं भी सॉल्व हुआ आप उसकी चिंता मत करो कि उसका जवाब सुनेंगे भी तो भी कोई फायदा है नहीं कि अंडे को पहले लाना था इसलिए मुर्गी को पैदा किया गया पहले तो वो बातें बुद्धि के पार है अंडा पहले आए इसके लिए मुर्गी को पहले लाया गया तो ये समझ भी नहीं आएगा मर यहाँ पे भी वही देख रहे हैं ना विष्णु के ही नाभि से निकला है ब्रह्मा और ब्रह्मा ने बनाया है विष्णु को तो इसने बनाया इसको कि उसने बनाया इसको तो इनका अभी झगड़ा शुरू हुआ झगड़ा है नहीं वाद विवाद तुम कैसे कह सकते हो ये तुम कैसे कह सकते हो तुम देखो कहां से निकले हो मैं मैं ही था मैंने ही तुम्हें बनाया और आप जानते हैं ब्रह्मा कैसा ईश्वर माना गया है जिन्होंने संसार को बनाया विष्णु चलाने वाले प्रिजर्व करने वाले मेंटेन करने वाले तो दोनों का वाद विवाद डिबेट चल रही है तो दोनों जब बात कर रहे हैं ये सीन चल रही है दो खोजी तो बीच में एक खम्बा आ गया पिलर एक बहुत बड़ा पिलर शिवलिंग कहें दोनों के बीच में आ गया इतना बड़ा जितना ऊपर देखें उसका छोर दिखता ही नहीं है जमीन से निकला हुआ तो ये क्या चीज आ गई और वो भी अग्नि जल रही है उसके अंदर अग्नि तो उन्होंने चारों तरफ घूमकर देखा उसके कि ये अग्नि कैसे जल रही उसका कोई ईंधन ही नहीं है सूरज जल रहा है तो आज साइंस जानती है कि ईंधन है जो जल रहा है और इतने करोड़ों साल में समाप्त हो जाएगा जलते 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 समाप्त होगा मगर इसमें देखा गया कि ये स्वयं जल रहा था मगर ईंधन नहीं था कोई भी यानी समाप्ति वाला पार्टी नहीं है तो इसलिए स्वयंभू भी कहा जाता है स्वयंभू शब्द आप सुनते शंभू शंभु का अर्थ है स्वयंभू खुद ही प्रकट होने वाला तो ये प्लेयर है सामने और दोनों ने एक दूसरे को कहा कि इसका छोर जो पकड़ पाएगा वो ईश्वर उसने बनाया संसार ऐसा माना जाएगा वो भगवान तो अब दोनों ने कार्य शुरू किया विष्णु ने बताया कि आप हंस बनकर ऊपर देखो मैं इसका नीचे वाला छोर देखता हूं पिलर का गोल पिलर पकड़े जैसे इमारत के होते है जलता हुआ तो अब ब्रह्मा जो है हंस बनकर ऊपर गए हैं और भगवान विष्णु जमीन खोद कर और सालों साल ये खोज चलती रही किसी को छोर मिला नहीं मगर ब्रह्मा जब ऊपर जाते जाते उनको कुछ केतकी फूल की पंखड़ियाँ मिली यानी वो उस शिवलिंग पर चढ़ाई गई समझो कहें और उसके कुछ पत्ते गिर रहे हैं तो उसने वहाँ से उन पत्तों को देखकर वो नीचे आ गया और यहाँ विष्णु भी छोर न पाकर वापस आ गया उसी जगह पर तो ब्रह्मा ने एक झूठ कहा एक कपट हुआ ब्रह्मा ने कपट किया हमें देख कर आया देखो झूठ कैसा है उस टॉप पर रखी हुई चीज का दर्शन हुआ शिवलिंग के ऊपर रखी हुई चीज का दर्शन हुआ उस छोर का दर्शन नहीं हुआ शिवलिंग का दर्शन नहीं हुआ पूरा लोग कैसे झूठ बोलते हैं जो सच भी लगे मैनिपुलेशन कैसे होती है क्या उसने कहा कि मैंने देख लिया छोर तो विष्णु तो मान जाएंगे ना जाकर आया उसको छोर मिला है तो ये घटना तब शंकर प्रकट हो गए शिवा प्रकट हो गए उस खम्बे से और क्योंकि ब्रह्मा ने जो झूठ कहा उसका उनको श्राप दिया कि आपने ये झूठ कहा है इसलिए विश्व में आपकी हालांकि है त्रिदेव के साथ ही हो तीनों एक ही हैं हम तीनों एक ही हैं हालांकि मगर संसार में आपकी पूजा नहीं होगी आपकी आराधना नहीं होगी ये श्राप दिया तो क्या शंकर का क्रोध करना श्राप देना सही था तो उन्होंने वो श्राप दिया वो क्रोध किया इस वजह से कि संसार में लोग कपट से श्रेष्ठता सिद्ध न करें लोग कपट से श्रेष्ठता सिद्ध न करे पात्रता से लोग श्रेष्ठता दिखाकर पद का पोस्ट का श्रेष्ठता दिखाना तो ब्रह्मा ने यह झूठ क्यों कहा सिर्फ ये श्रेष्ठता मैंने संसार बनाया है देखो संसार बनाया भी मगर फिर भी उनकी पूजा नहीं देने उनके मंदिर आपको मिलते नहीं है उनके मंदिर आपको विश्व में मिलते नहीं है कुछ जगहों पर है तो सिर्फ ये बातें समझाने के लिए कुछ जगहों पर रखा गया है कुछ जगहों पर है इन बातों को समझाने के लिए या जहां त्रिदेव की मूर्ति रखी जाती है तीनों साथ में आ जाते हैं विशेष ब्रह्मा की पूजा आराधना करने के लिए मगर देखो अर्थ क्या था कपट के साथ प्रसन्न श्रेष्ठ बनना चाहे भगवान बनना चाहे सभी वही तो है तो कोई किसी को कहा जाए कि ये नहीं है।, है तो सभी वही है मगर कोई कपट के साथ रखता है तो उसके साथ क्या होता है उसको श्राप मिलता है शिव यानी कोई पर्सनली श्राप देता नहीं है किसी को शिव जी आएंगे और पर्सनली श्राप देंगे तुमने कपट किया तुमने कपट करके ये प्राप्त किया तो ये ज्ञान फलित तो होने वाला नहीं है करण को जैसे श्राप मिला कि तुमने कपट से ज्ञान प्राप्त किया है ये ज्ञान फलित ही नहीं होगा यानी टाइम पर काम में नहीं आएगा यानी किसी का शिविर हो भी गया उसने रिकॉर्डिंग करके ले भी लिया मगर क्या फलित ही नहीं होने वाला तो उल्टा उसका जो दुष्परिणाम आता है तो लोग ये समझ नहीं पाते कपट के साथ ब्रह्मा के लिए भी कहा गया ये यानी विश्व में अगर ब्रह्मा को शराब मिल सकता है तो विश्व में सभी को मिल सकता है कपट के साथ काम करने वालों को तो कहानी में कैसा रूप दिया गया है और शिवजी जिन्होंने कहा कि हम तीन एक ही है और ये जो टेस्टिंग हुई वो इसलिए थी सच्चाई सामने आने के लिए तो विष्णु के मंदिर आप अलग अलग अवतारों में तो आप करते ही हो दर्शन तो उस घटना के साथ स्टार्ट जैसे कहा ओपन सीक्रेट क्या शुरू हुआ ओपन सीक्रेट को समझना है उसके पहले पात्रता तो शिवा रहस्य में ओपन सीक्रेट जो है जो बुद्धि के पार है कि ब्रह्मा विष्णु महेश आपको तीनों दिखते हैं मगर शिव इन तीनों में नहीं है ये ओपन सीक्रेट है जो बुद्धि के पार है क्योंकि हम आज तक ऐसे ही देखते हैं ये शिव ये ब्रह्मा ये विष्णु ये त्रिदेव तो इन तीनों में शिव नहीं है अब इसको समझेंगे ऐसे दिन आते हैं तो कुछ ऐसी बातें सुनने का मौका मिलता है मगर हमें इसके पार भी ये एनालॉजीज के पार कहानियों के पार भी इसका जो जीवन में उपयोग है वो पकड़ कर जाना है आज इसको जीवन में उतारना है तो इसको एक एनालॉजी से समझो कि तीन गुरु हैं हर जगह जाते ज्ञान बांटते हैं लोग उनको कैसे देखते हैं तीन गुरु ज्ञान देते हैं लोग सवाल लेकर जाते हैं ये गुरु उनका ये जवाब देंगे ये गुरु उनका ये जवाब देंगे ये गुरु ये जवाब देंगे तीनों लोगों का कल्याण कर रहे हैं अब लोगों को एक रहस्य मालूम ही नहीं है कि एक्चुअली क्या है उनमें एक गुरु है बाकी दो शिष्य थे ये रहस्य किसी को मालूम ही नहीं था तीनों को गुरु करके ही लिया जाता था और लोगों का कल्याण हो रहा था और लोगों को मालूम पड़े न पड़े कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कल्याण हो रहा ना लोगों का होने दो तो ये तीनों का कार्य चल रहा था मगर जो शिष्य हैं उनको तो मालूम है एक्चुअली गुरु कौन है उनको गुरु कहा जा रहा है मगर उनको मालूम है एक्चुअली गुरु कौन है ब्रह्मा और विष्णु के बीच में जो शिवलिंग तैयार हुआ उसमें जो शंकर आए तो कथाओं में इस तरह लिखा गया कि दस हाथ थे उसको पांच गर्दनें थी हर गर्दन में हर मुंह में तीसरी आंख तो पांच तेज नेत्र हो गए और पंद्रह टोटल आंखें पंद्रह आँखें तो देखो ये सब वर्णन करने के पीछे लोगों के अंदर की कैपेसिटी कैसे बताई जाए सामर्थ्य का पता कैसे बताया जाए तो कुछ चीज़ें दिखाई जाती है विजुअल दिखाई जाती है लोग वैसा ही कुछ पकड़कर जीते हैं फिर उसको निराकार की तरह ले जाने के लिए रूप के बाहर लाकर शिवलिंग तक लाया गया मगर शिवलिंग को भी उस निराकार रूप को भी लोग नहीं समझ पाते उस पर भी आंख छापते हैं आंख है उसको नाक है मूछ है क्योंकि बिना रूप के लोग आराधना कर नहीं पाते हैं तो शिव उस रूप में दिखाए गए तो तीनों में जो एक्चुअल गुरु है उसको तो पता है शिष्यों को भी पता है एक्चुअली गुरु कौन है फिर एक दिन जो गुरु था उसने दूसरे को कहा दूसरे शिष्य कहें उनके शिष्य थे मर लोगों के सामने गुरु थे उस गुरु की विशेषता क्या थी वो मूर्ति बना सकता था उसमें सांस डाल सकता था जीवित कर सकता था एक गुरु की विशेषता वो थी उन तीनों में तो जो मेन गुरु था उसने उसे कहा आप तुम क्या करो मेरी मूर्ति बनाओ मेरी मूर्ति बनाओ और उसमें प्राण डालो और अब मैं अनासक्त हो रहा हूं अब मैं संसार से अदृश्य हो रहा हूं तो ये आज्ञा देखकर गुरु जी चले गए अदृश्य हो गए और ये गुरु ने मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए तो महेश तैयार हो गया रुद्र तैयार हो गया जो भी नाम दे अब लोगों को क्या दिख रहा है आज भी तीनों है तीनों है और वैसा ही कार्य चल रहा त्रिदेव त्रिदेव मूर्ति रहस्य क्या है आज थोड़ा समझ में आ रहा है क्योंकि एग्जैक्टली ऐसे भी नहीं पकड़ना है मगर शब्दों में कैसे बताया जाए ये पार वाली अवस्था गुरु शिव को गुरु भी कहा गया है तो किस समझ के साथ कहा गया है वो ओपन सीक्रेट आपको पहला सीक्रेट शिवा का ऐसे शिवरात्रि आते रहेंगे और एक एक रहस्य आते रहेंगे मगर आज जो आप रहस्य समझ रहे थे कि शिव अदृश्य हो गया अनासक्त हो गया अब ये तीन मूर्तियां उसमें शिव दिख भी रहे लोगों को और ब्रह्मा क्या कहेंगे मैंने शिव को बनाया ब्रह्मा क्या कहेंगे और सही भी बोल रहे हैं ब्रह्मा ने संसार बनाया सही भी बोल रहे हैं मगर ब्रह्मा को मालूम है अब एक ही कपट हुआ उधर उसके बाद कभी कपट नहीं हुआ एक कपट हुआ उसके बाद उनको भी मालूम है कि हालांकि मैंने इसको बनाया है मगर मैं इसका रचयिता नहीं हूं हालांकि मैंने बनाया है मगर मेरा अधिकार नहीं है इस पर हालांकि मैंने बनाया है मगर मेरा अधिकार नहीं है यह अधिकार शब्द का अर्थ है इंसान ने चीजें बनाई है मगर क्या उसका अधिकार है तो इस अधिकार को समझना क्या अधिकार है लोग बिना अधिकार जाने जब व्यवहार करते हैं तो गलतियां करते हैं आज आप शिवरात्रि पर समझ रहे हो कि शिव के लिए ऐसे शब्द क्यों बने नीलकंठ क्यों बना गंगाधर क्यों बना उन शब्दों का रहस्य समझो गुरु क्यों कहा और आज त्रिदेव देखते हुए भी आपको कहा उसमें नहीं है शिव है भी और नहीं भी है, है किस लिए क्योंकि शिव रहा है और उसकी मूर्ति भी है उसमें प्राण भी आ गए हैं, एक्टिवेट भी है महेश्वरा महाईश्वरा भी है मृत्यु भी हो रही है आकार मिट भी रहे हैं नए आकार बन भी रहे हैं ब्रह्मा भी एक्टिवेटेड है विष्णु भी और शंकर भी तीनों है एक्टिवेटेड मगर जो एक्टिवेटेड नहीं है वो है शिवा वो ओरिजिनल जिसको कहा गया गॉड एट रेस्ट गॉड में तो जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर गॉड एट रेस्ट यानी पार ब्रह्म की अवस्था उसको परे की अवस्था समझना है वो एक्चुअली शिव है मगर बिना आकार के लोग समझ नहीं पाएंगे तो कम से कम शिवलिंग रखकर लोग बातें समझने का प्रयास करते हैं मगर इस तरह कभी आपके सामने बातें आई नहीं क्योंकि त्रिदेव तक ही पहुंच होगी त्रिमूर्ति पर ही पहुंच होगी पर त्रिमूर्ति के पार भी जो बातें बताने का इशारा है क्योंकि वो अवस्था अंदर है जहां बिना चले आप चलते हैं बिना दौड़े आप दौड़ते हैं उस अवस्था को समझाना ये सब जो भी बातें हैं कितनी खूबसूरत बातें ये सब कहानी नहीं होती तो कैसे बातचीत होती और कैसे ये ज्ञान आगे की पीढ़ियों तक तो पहुंचता सुंदर व्यवस्था शिव के गले में सांप है तो सांप आप कभी सोया हुआ नहीं देखते हैं यूजल जैसे सांप देखते फन खोले हुए है सतर्क है सांप हमेशा फन खोले नहीं बैठता आप जानते ना कभी कभार जब उसको सतर्क होना होता है तब वो फन खोलता है मगर शिव के पास त्रिशूल भी है सांप भी है तो त्रिशूल भी है ये दोनों चाहिए सांप भी हो त्रिशूल भी और सांप मरा हुआ सांप नहीं है सोया हुआ सांप नहीं है सांप है जागृत फन तो जीवन में फन भी हो मगर त्रिशूल भी हो <laughs> <laughs> आप एंजॉय करो लाइफ लाइफ एंजॉय करो मगर त्रिशूल है त्रिशूल आपको कभी भी बैलेंस खोने नहीं देता त्रिकोण जो है यह आपको बैलेंस खोने नहीं देता आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए हुए लोगों ने ही इन चीज़ों का निर्माण किया उसके बगैर कोई बना नहीं सकता ऐसी एनोलॉजीज बन नहीं सकती बुद्धि की ताकत ही नहीं है ऐसी बातों को कोई सोच पाए क्योंकि जो आप स्व अनुभव करते हो उसको जब शब्द देते हो तो कुछ ऐसी बातें क्रिएट होती हैं और जो एनोलॉजी आपको बताई गई तीन गुरुओं की एक्चुअली क्या था और यह रहे से किन लोगों को मालूम पड़ा यह भी रहे से मालूम पड़ा होगा ना कुछ लोगों को उन तीन गुरुओं ने तो लोगों को ज्ञान दिया मगर कुछ विशेष लोगों को यह भी तो बताया होगा असली गुरु कौन क्योंकि वे ईमानदार हैं शिष्य ईमानदार है वो बताएंगे असली गुरु कौन और इस वक्त जो आपको दिख रहा है शिव वो शिव नहीं है हमारे साथ जो शिव दिख रहा है वो शिव नहीं है शिव इसके पार है कि ये कुछ चीज़ें है ऐसी पहले ये बना कि पहले वो बना ब्रह्मांड कैसे बना लोगों के लिए रह से रह से रह जाते हैं मैं जिनको पता है वो कहेंगे एक साथ कैसे सब बना है ये सब वे कन्विक्शन के साथ कह पाएंगे तो आज ये सब बातें आपको बताई गई एनोलॉजी के द्वारा ही कुछ समझा जा सकता है लिटरल शब्दों को पकड़ने की आवश्यकता नहीं और यहां आकर जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हैवी इस विषय पर और विस्तार से मार्गदर्शन पाने के लिए आप इन पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर आगामी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए संपर्क करें